सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे, आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना वायरस की बढ़ती शरह से सूरत हाल तश्वीशनाक हो गई। महकमा सेहत के रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि लाहौर के सरकारी हस्पतालों में 69% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए हैं। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। अली रामी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है अस्पतालों की? आज जब कैबिनेट कमेटी ब्रांच सारे कोरोना का इजलास वज़ीर-ए-आला पंजाब की सरबराही में हुआ और इस इजलास में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें खास तौर पर वेंटिलेटर्स के हवाले से और जो कोरोना के हवाले से मख्तस पैड हैं उनके हवाले से। और इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि लाहौर शहर के सिर्फ सरकारी अस्पतालों में 69% वेंटिलेटर्स हैं वो कोरोना वायरस के मरीजों की वजह से भर चुके हैं, जबकि 50% से ज्यादा बेड जो सरकारी अस्पतालों में वो भी कोरोना वायरस का शिकार होने वाले मरीजों की तादाद से उनकी वजह से भर चुके हैं। तो लिहाजा ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। अब इसमें अगर रुख करते हैं लाहौर के सरकारी अस्पतालों का, तो PKLI पाकिस्तान किडनी लिवर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनमें जो वेंटिलेटर्स की तादाद है वो 100% तक भर चुकी है। और इसके अलावा जो टीचिंग हॉस्पिटल है नवाज शरीफ यकी गेट, उसमें 89% बताई जा रही है कि वो वेंटिलेटर्स हैं वो मरीजों की वजह से भर चुके हैं। जिला अस्पताल में यही रेशियो 72%, जनरल अस्पताल में 55% और सर गंगाराम हॉस्पिटल में 50% वेंटिलेटर कोरोना वायरस के मरीजों की वजह से भर चुके हैं। और इस वक्त सिर्फ लाहौर के सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ पर 179 वेंटिलेटर्स हैं वो खाली बताए जा रहे हैं। तो ये वो तशवीशनाक एक सूरत हाल है जो कि रिपोर्ट आज कैबिनेट कमेटी को पेश की गई और कहा गया कि अगर हुकूमत पंजाब कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करवा पाई तो ये वेंटिलेटर जो है वो दिन ब दिन कम होते जाएंगे, हाल मजीद संगीन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अली रामी आपका। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने मार्केट शाम 6 बजे तक बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मार्केट्स में इस वक्त क्या सूरत हाल है यही जानने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है लाहौर से हसनैन औलक और रावलपिंडी से सरदार सदाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन औलक का रुख करूंगी। हसनैन औलक, बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट्स की? जी, कोरोना वायरस की अगर बात की जाए तो जो तीसरी लहर है कोरोना वायरस की, उसके तहत जो क्राइसिस हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं, जिसके तहत पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफज किया गया है, जिसके तहत जो मार्केट्स हैं पहले 6 बजे बंद की जाती थी, उसके अलावा जब जो ताजर बरदरी है उनकी जानिब से एहतजाज किया गया और उनसे अपील की गई कि जो मार्केट्स हैं उनके औकातकार को बढ़ाया जाए। जब औकातकार को बढ़ाया गया तो ये मार्केट्स हैं जो 7 और 8 बजे बंद की जाती हैं। इसके अलावा आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें 1 अप्रैल से जो पाबंदियाँ हैं उनको मज़ीद सख्त करने का अंदिया दिया गया है। इसके तहत जो ऐसे अजला हैं जिनमें तकरीबन 12% से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के, वहाँ पर मज़ीद पाबंदियाँ सख्त होंगी। वहाँ पर ऐसा होगा कि जी जो तमाम तर शादी हॉल्स हैं वो बंद होंगे, उनमें इनडोर और आउटडोर जो तकरीबात हैं वो बंद होंगी, जो मास ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद होंगी, इसके अलावा जो खेले हैं और जो तफरीही मकामात हैं वहाँ पर पाबंदी होंगी, वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकेगी। इसके अलावा जो कोरोना SOPs हैं उनको फॉलो किया जाएगा। जो मार्केट्स हैं वो सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी और जो मास्क हैं और जो SOPs हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाएगा और ज़िले इंतजामिया इसके ऊपर खास तौर पर इनको जो SOPs हैं उनको फॉलो करवाने के लिए अपना हमारे साथ मौजूद रहेगा। सरदार सदाकत रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार सदाकत, बताइएगा यहाँ पर मार्केट्स की क्या सूरत हाल है? हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा रश नजर आ रहा है लोगों का यहाँ पर। जी बिल्कुल, अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो कोरोना की जो तीसरी लहर है इसमें रावलपिंडी की पोजीशन थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर ये जो 9 अजला हैं पंजाब के, उसमें रावलपिंडी भी शामिल है, जिसमें कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ और मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो बाज़ार हैं वो रात को जो एक SOP के मुताबिक तो 6 बजे बंद होने चाहिए थे, लेकिन जो ही ये दोबारा लहर शुरू हुई तो यहाँ के जो ताजर हैं उन्होंने बड़ा भरपूर एहतजाज किया और भरपूर एहतजाज के साथ ही जहाँ के जो वज़ीर कानून है पंजाब के राजा बशारत, उनसे इनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने फिर ज़िली इंतज़ामिया को जो है एतमाद में लेकर इनको जो टाइमिंग है वो बढ़ाई गई है। और यहाँ भी रावलपिंडी में जो बाज़ार है वो 7:30 बजे का टाइम है, लेकिन ये बाज़ार तकरीबन 9 बजे जाके बंद होते हैं। यहाँ की अगर बात की जाए तो SOP पर भी बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ पर मास्क जो है वो 50% भी कम है, चूँकि यहाँ पर ना तो लोग मास्क पहन रहे हैं और ना ही
सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाता है। इसी तरह बाजार जो है वो रात को तकरीबन 9 बजे तक बंद होते हैं। यहाँ पर जुम्मा और हफ्ता दो दिन जो है वो बामी मुशावरे से तय पाया कि दो दिन जो मार्केटें बंद रहेगी उसमें जुम्मा और हफ्ता शामिल किया गया और एतवार को जो है वो मिनहा किया गया। लेकिन अगर बात की जाए तो जुम्मा और हफ्ता को भी जो छोटे बाजार हैं शहर के अंदरूनी, इसी तरह कैंट में जितने भी बाजार हैं छोटे, वो जुम्मा और हफ्ता को भी खुले रहते हैं। जो मेन मार्केटें हैं मरी रोड है और जो राजा बाजार की होलसेल मार्केटें हैं वो बंद रहती हैं जुम्मा और हफ्ते को, लेकिन जो छोटे मार्केटें और बाजार हैं मोहल्ले के और इसी तरह कैंट के तमाम छोटे बाजार जो हैं वो जुम्मा और हफ्ते को भी खुले रहते हैं। इसी तरह रात भी जो एसओपी पर अमल दरामद इसलिए नहीं हो रहा यहाँ चूंकि सियासी मुदाखलत बहुत ज्यादा है और यहाँ पर ठीक है और इसके खिलाफ जो जरा इंतजामिया है एक्शन ले रही है। सरदार सदाकत आप भी मौजूद रहेगा। फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है अवैस अली ने और मुल्तान से माजिद कलासरा ने। फैसलाबाद का रुख करेंगे, अवैस अली से जानेंगे कि वहां पर क्या सूरत हाल है। अवैस अली, 6 बजे का मार्केट्स का टाइम रखा गया था तो ताजरों की जानिब से एहतजाज किया गया था जिसके बाद टाइम को बढ़ाकर 8 बजे किया गया था, अब दोबारा से 6 बजे कर दिया गया है। क्या कोई मजाहमत का सामना है? जरा इंतजामिया को किस तरह से अमल दरामद कराया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक घंटाघर में। चौक घंटाघर के 8 बाजारों में ज़िले इंतजामिया भी इस वक्त पहुँच चुकी है, मगर दुकानें जो हैं वो बंद कराने में फैसलाबाद ज़िले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। आज 6 बजे का टाइम दिया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से कि तमाम तर जो मार्केटें हैं उनको 6 बजे बंद कर दिया जाएगा कोरोना एसओपीज़ के मद्देनज़र, मगर अब फैसलाबाद में तहाल जो है वो ज़िले इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर चौक घंटाघर के 8 बाजारों में एक भी दुकान जो है वो बंद नहीं करवाई गई। रश जो है वो पहले से भी बढ़ चुका है और शहरियों की कसीर तादाद इस वक्त चौक घंटाघर में मौजूद है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से ताजर बरदरी से ये कहा भी जा रहा है कि दुकानें जो है वो बंद कर दी जाए, मगर यहाँ पर ज़िले इंतजामिया जो है वो पंजाब हुकूमत के जो अहकाम हैं उन पर अमल दरामद करवाते हुए कोई कामयाब जो है वो दिखाई नहीं दे रही। चौक घंटाघर के 8 बाजारों में तमाम तर दुकानें जो है वो इस वक्त खुली हुई हैं और इसके साथ साथ शहरियों की भी कसीर तादाद जो है वो 8 बाजारों में इस वक्त मौजूद है। जिले इंतजामिया जो है वो पंजाब हुकूमत के अहकाम पर अमल दरामद जो है वो करवाने में मुकम्मल तौर पर यहाँ पर सुस्त रही। शुक्रिया अवैस अली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुल्तान की जानिब रुख करेंगे जहाँ पर माजिद कलासरा मौजूद है। माजिद बताइएगा यहाँ पर मार्केट की क्या सूरत हाल है और जिले इंतजामिया पहुंची है यहाँ पर एक्शन के लिए? जी बिल्कुल, बढ़ते कोरोना केसेस के बायस जो है वो पंजाब हुकूमत ने आज कुछ सख्त फैसले लिए थे जिसमें जो टाइम जो है वो मुख्तस किया गया था कि 6 बजे का टाइम दिया गया था, 6 बजे जो मार्केट्स हैं उसको जो है वो बंद किया जाना था। लेकिन इस टाइम एक प्लाजे के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर अगर सूरत हाल की बात करें तो तमाम तर जो दुकानें जो हैं वो इस टाइम जो है वो खुली हैं। ताजर बिरादरी से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था हमें किसी किस्म का जो है वो अभी तक कोई नोटिस जो है वो जारी नहीं हुआ ज़िले इंतजामिया की जानब से, हमें किसी किस्म के जो है वो अहकाम भी जो है वो जारी नहीं किए हुए। यहाँ पर अगर यहाँ पर तमाम मार्केट्स इससे मुकम्मल तौर पर जो है वो कारोबार जो है चल रहा है। अगर शहरों की गफलत की बात करें तो शहरों की गफलत का सिलसिला जो है वो जारी है। दिन के औकात में भी शहरी एसओपीज की जो है वो खिलाफ वर्जियां करते जो है वो नजर आते हैं और इसके साथ साथ जो जिले इंतजामिया की जानिब से ताहाल जो है वो कोई इकदाम नहीं किए जा रहे और तमाम तर मुल्तान की जो मार्केट्स हैं वो इस टाइम जो है वो खुली हैं। अगर एसओपीज की बात करें तो कुछ दुकानदार जो है वो एसओपीज पर जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन मुल्तान की बेशतर जो अहम शराहों की अगर बात करें तो अहम शराहों पर भी जो है वो जो ट्रैफिक है उसमें जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब शहरों को आगाही मुहिम भी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है कि शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन शहरी मास्क का जो है वो इस्तेमाल नहीं करें। जिले इंतजाम है इस हवाले से उनकी जो कारकर्दगी है वो भी इतनी मुतासर कुन जो है वो नहीं दिखाई दे रही। दिन के औकात में भी एसओपीज की जो है वो खिलाफ वर्जी का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। इसके साथ साथ है माजिद कलासरा, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान से आप हमें अपडेट कर रहे थे, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया था अवैस अली ने, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे हसनैन औलख और रावलपिंडी की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे सरदार सदाकत, आप सबका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करेंगे कोरोना वायरस के ही हवाले से। मुजी कोरोना वायरस मजीद 41 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 4525 मजीद अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आ गए जिनमें से 12 वेंटिलेटर पर थे, जबकि पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 6,69,116 तक जा पहुंची है। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 46,663 है।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस की लहर ने एक रोज में मजीद 41 अफराद की जान ले ली। मुल्क में मजमुई अमवात की तादाद 14,256 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 40,369 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,525 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 6,59,116 तक पहुँच चुकी है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस सिंध में रिकॉर्ड हो चुके हैं, जहां ये तादाद 2,64,889 तक पहुंच चुकी है। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद 2,15,227 है। खैबर पख्तूनख्वा में 85,581 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 56,450 और बलूचिस्तान में 19,585 अफराद मुतासर हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 12,484 है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 5,010 हो चुकी है। अब तक 5,98,197 मरीज कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वातीन विंग के सदर फरियाल तालपुर ने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। फरियाल तालपुर कहती हैं कि सिंध हुकूमत और आर्ट्स काउंसिल ने अच्छे इंतजाम किए हैं। आर्ट्स काउंसिल में आके अपनी वैक्सीन लगाई है। यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम है और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ डॉक्टर्स भी हैं। वैक्सीन मुझे मैंने लगाई है, माशाल्लाह इट्स आई एम परफेक्टली फाइन। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी जो अब 50 साल से ऊपर लोग हैं कि पहली तारीख से वो भी अपनी वैक्सीन लगाना शुरू करें। फैसिलिटी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी दी हुई है। ये वैक्सीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वैक्सीन लगाएं आप ज़रूर ताकि आप बच सकें इस बीमारी से। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कोरोना की सूरत हाल पर वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, जब हम कोरोना SOPs पर अमल का कहते थे तो कप्तान मजाक उड़ाते थे। आज इमरान खान खुद इस तकलीफ से गुजरे तो अवाम को तलकीन कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, जब वज़ीर आज़म और वफाकी मुज़रा मास्क नहीं पहन रहे तो आम आदमी क्या करे। आम आदमी देखता है कि जब मेरा वज़ीर आज़म कह रहा है कोई मसला ही नहीं है, जब वज़ीर आज़म मास्क नहीं पहन रहा, वफाकी वज़रा मास्क नहीं पहन रहे, तो फिर आप एक आम आदमी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब उनका लीडर उनको ये कह रहा है कि मामूली सा फ्लू है बच जाओगे, वहाँ वफाकी वज़रा को देखें। मैं अभी देख रहा था, वो सोशल मीडिया पर चल रहा था, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान कह रही हैं कि अब अगर किसी ने SOPs की वायलेशन की तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। और कल रात की या परसों रात की तस्वीर थी, वो शादियों की महफिल में बैठी हैं, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई सामाजिक फासला नहीं है। तो शहरी जो है ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार होता है और वो अपनी लीडरशिप की तरफ देखता है कि लीडरशिप उसको क्लैरिटी प्रोवाइड करे। मैं गुजारिश ये करूँगा, खान साहब दे रहा है दुरुस्त है, 13 माह बाद उन्होंने ये चीज़ कही लोगों को। मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि आप खुदारा हुकूमत का साथ दें, ये कोई साजिश नहीं है। शबे बरात के सिलसिले में कब्रिस्तानों में आवाम की बड़ी तादाद पहुंच रही है। फूलों की दुकानों पर भी काफ़ी रश है। सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से, जो कि इस वक्त तारिक रोड पर मौजूद हैं। महमूद रियाज, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है। शबे बरात को नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन मुसलमानों की कोशिश होती है कि कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्र पर हाजिरी दें, न्याज दें, फातिहा खानी करें। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है अभी से ही आना शुरू हो गई है, जबकि कि इनकी तादाद में मगरिब और रात के इजाफा होगा। और दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं तो इंतजाम किए गए हैं, बल्ब लगाए गए हैं ताकि रात में किसी किस्म के लाइट का मसला ना हो। और फूल जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अरके गुलाब भी हैं, अगरबत्तियाँ भी हैं और मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं। और यहाँ पर दूर तक जो रोड है उसको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से ट्रैफिक के लिए ये शारा जो है सर्विस रोड आज बंद कर दी गई है। लोग पैदल आ रहे हैं ताकि उनको आसानी हो। और यहाँ पर जो है पीने का पानी और कब्रों पर डालने के लिए पानी का फी सबीलिल्लाह इंतज़ाम है। हुकूमत की तरफ से जो है वो यहाँ पर सबील भी लगाई गई है और पानी का भी इंतज़ाम किया गया, जबकि दीगर जो है वो फूल बेचने वाले भी मौजूद हैं। और शब बरात को मुसलमान जो है वो एक रवायती और बड़ी मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाया जाता है। और इस वक्त लोगों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों की कब्रों पर आएँ और फातिहा खानी करें। और इसका सिलसिला अब शुरू हो चुका है, जो कि सुबह फजर तक तकरीबन जो है वो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका।
रमजान मुबारक में कयामुल लैल के लिए हफाज कराम का इंतखाब कर लिया गया। मुकाबले में मुंतखब हफाज को फैसल मस्जिद में तलावत का मौका दिया जाएगा। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक ने SOPs के साथ माह रमजान में मस्जिद खुली रखने का भी ऐलान कर दिया। बोले इनकी कोशिश है कि मुल्क में कुरान का कल्चर मुतारिफ कराया जाए। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में रमजान मुबारक के आखिरी अशरा में क्यामुल अलील के लिए आल पाकिस्तान मुकाबला हिफ्ज़ो किरत का इनेकाद किया गया, जिसमें 14 हफाजे कराम का इंतखाब कर लिया गया। तकरीब से हिताब करते हुए वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना था कि गुज़िश्ता साल की तरह पूरे रमजान में SOPs के साथ मस्जिद खुली रहेंगी। दफा भी अल्लाह करेगा और मस्जिद इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक की जिक्र और कलाम से इंशाअल्लाह ताला आबाद रहेंगे। तो इसमें हमारी ख्वाहिश यही रही कि एक कच्चा सा एक पैनल जो है उसका इंतखाब पूरे मुल्क से हम करा लें, उसमें पूरे मुल्क की कुरा की नुमाइंदगी हो और बेहतरीन कुरा हो, जो कि आखिरी अशरा में क़ियामुल लैल और कुरान पाक जो है पढ़ा सके और सुना सके। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर मजहबी अमूर का कहना था कि पैगामे पाकिस्तान एक दस्तावेज है, उस पर 4000 से ज्यादा उलमाए किराम के दस्तखत हैं। जिहाद का फतवा देना किसी का हक नहीं रियासत के बगैर, ये रियासत का काम है कि वो हुक्म करे फतवा दे। पैगामे पाकिस्तान एक डॉक्यूमेंट है, उसके मुताबिक जो कि 4000 से ज्यादा उलमा ने मुल्क के जईद उलमा ने उस पर दस्तखत किए हैं। वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी का मजीद कहना था कि उनकी वजारत हज की तैयारियों में मसरूफ है। सऊदी हुकूमत जैसे बताएगी इन SOPs के साथ हज की तैयारियां मुकम्मल करेंगे। हज मुआहदे के लिए सऊदी हुकूमत के जवाब का इंतजार है। बात करेंगे महंगाई के हवाले से। शहर कायद में रमजान मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतों में मनमाने इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए। इंतजामिया सरकारी प्राइस लिस्टों पर अमल दरामद कराने में भी नाकाम नजर आती है। सूरत हाल बता रहे हैं नवीद सदीकी अपनी इस रिपोर्ट। रहमतों का महीना रमजानुल मुबारक आने में अभी 15 रोज बाकी हैं, लेकिन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के शहर में गिरा फरोशों ने दोनों हाथ माल समेटना शुरू कर दिया है। खाने पीने की कोई शय ऐसी नजर नहीं आती जो कंट्रोल रेट पर दस्तयाब हो। कराची में 30 रुपए फी किलो में बिकने वाला आलू और प्याज अब 20 रुपए महंगे हो गए हैं। बड़े गोश्त की कीमत में भी 50 रुपए किलो का खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। चिकन का रेट भी रोजाना के हिसाब से बढ़ रहा है और अब कीमत 440 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। अशिया खुरनोश की कीमतों को देखकर शहरी कहते हैं महंगाई ने तो अभी से कमर तोड़ दी है। लगता है हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने की कोई फिक्र ही नहीं। इस साल भी महंगाई अरूज के ऊपर है और आवाम ही समझती थी, हम भी समझते थे शायद कि ये हुकूमत जो है इस मरतबा रिलीफ देगी आवाम को, लेकिन उससे पहले ही सारी चीज़ें गायब कर दी गई हैं। पहले 50 में भी हंडिया पक जाती थी, अब तो 200 में भी नहीं पकती हंडिया। दूसरी तरफ दुकानदार तमाम इल्जाम जखीरेअंदोजों पर डालकर बरीज जिम्मा हो गए हैं। पीछे से माल शार्ट करा गया है जो इस वजह से महंगाई बढ़ी है। बड़े बड़े डीलर जो है ना इधर में गोदामों में माल पहुँचा देते हैं। बढ़ती हुई महंगाई पर शहरी इंतजामिया की खामोशी मुजरमाना गफलत का सबूत है, जो रेट लिस्ट तो जारी करती है लेकिन उस पर अमल दरामद कराना भूल जाती है। शहरी कहते हैं महंगाई के जिन को काबू करने के लिए हुकूमत अमली इकदाम करे ताकि उनको रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अब्दुल क्यूम के साथ नवीद सिद्दीकी, 24 न्यूज कराची। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों का नया रिकॉर्ड बन गया। गर्दिशी कर्जा बढ़कर रिकॉर्ड 2362 अरब रुपए पर पहुंच गया। मौजूदा हुकूमत के 2.5 साल में सर्कुलर डेट में 1214 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट इसी बारे में है। गर्दिशी कर्जों में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। मौजूदा हुकूमत के 2.5 साल में गर्दिशी कर्जा 1214 अरब रुपए बढ़ गया है। फरवरी 2021 तक गर्दिशी कर्जा बुलंद तरीन सतह 2362 अरब रुपए तक पहुंच गया। रवानी साल जुलाई से फरवरी के दौरान सर्कुलर डेट में 212 अरब रुपए का इजाफा हुआ। रवानी साल के पहले 8 माह में नोटिफिकेशन न होने पर 122 अरब के इलेक्ट्रिक की अदम अदायगी पर 48 अरब, सब्सिडी की अदम अदायगी पर 61 अरब रुपए, अन सब्सिडी पर 43 अरब और IPPs को ताखीरी अदायगियों के बाइस सूद कीमत में सर्कुलर डेट 54 अरब रुपए बढ़ा। जून 2021 तक सर्कुलर डेट 2527 अरब रुपए तक पहुंचने का तखमीना लगाया गया है, जिसमें IPPs का सर्कुलर डेट 1526 अरब रुपए और जेनकोज की फ्यूल सप्लाईज को अदायगियों का तखमीना 99 अरब रुपए, जबकि पावर होल्डिंग कंपनी का सर्कुलर डेट 962 अरब रुपए होने का तखमीना लगाया गया है। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद।
A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम मेरा पाकिस्तान मेरा घर में शामिल हो गया। स्कीम के पूरे प्रोसेस और मुतल्लिका मालूमात की अवाम तक आम फहम रसाई के लिए आगाही मुहिम का आगाज 28 मार्च से कर दिया गया। इस सिलसिले में कराची में कनेक्ट कमर्शियल हब में तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें चेयरमैन टास्क फोर्स प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम जैगम महमूद रिजवी ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए A&I ग्रुप के CEO इमरान आरिफ का कहना था कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग कर्ज की स्कीम यकीनन बेहतरीन है और वो मईशत का पहिया मजबूत करने में मुआवन साबित होगी, जिसमें A&I इनके साथ है। तकरीब में ग्रुप डायरेक्टर मोहम्मद अदनान, रजा हसनैन, फारूक सुमार और अली सदीकी ने भी शिरकत की। हुकूमतें वजीर खजाना हफीज शेख को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर को वजीर खजाना बनाया जाएगा। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, हुकूमत की जानिब से वफाकी काबीना में रद्दो बदल का फैसला किया गया है और उसमें अहम फैसला जो सामने आ रहा है, अभी तक ज़राए का कहना है कि वफाकी वजीर खजाना हफीज शेख जो है उनको ओहदे से फारग कर दिया जाएगा और उनकी जगह बाकायदा तौर पर हमाद अजहर को जो है वो वजीर खजाना बनाया जाएगा और ये बाकायदा उसूली फैसला कर लिया गया है, जिसका इतलाक या जो इम्प्लीमेंट है वो बहुत जल्द जो है वो सामने आ जाएगा और वफाकी काबीना में मजीद तब्दीलियां जो है उनका भी इम्कान है और जो अहम किस्म की तब्दीलियां हैं वो होने जा रही हैं और इसमें अहम गुजरा जो है मजीद तब्दीलियों का भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी आपका। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।